हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजलॉग पॉइंट पर। दोस्तों, आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। मैंने आपको बताया था कि आपके पास 10th क्लास के बाद आपके करियर के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आप क्या क्या स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था एक स्ट्रीम साइंस, एक आर्ट्स, एक कॉमर्स आपके पास होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ इंडिपेंडेंट कोर्स भी होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स जो आप कर सकते हैं। तो अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट ये जो वीडियो है, इसका टॉपिक है हाउ टू पिक राइट करियर ऑप्शन। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि मेरा बेसिक मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि आप राइट करियर चॉइस कैसे करें, कैसे आप चूज करेंगे कि मुझे इजी करियर बनाना है, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी। तो मैं आपको 3 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ है इसी डिसीजन पर बेस्ड होती है। जैसे आपको सीए बनना है तो आपको ऑब्वियसली कॉमर्स लेना पड़ेगा, फिर आप लाइफ टाइम तक अपना सीए कोर्स सीए ही रहेंगे। अब इसमें आपको चेंज करने में बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी, इसलिए आप स्टेप्स मैं जो बताऊंगा उन पर एक बार गौर करें और ध्यान से उनको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, पहली जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है असेस इंटरेस्ट एंड पैशन। मैं आपको लेकर दिखा देता हूं। पहला जो है वो है असेस इंटरेस्ट एंड पैशन। तो दोस्तों, इंटरेस्ट और पैशन के बारे में आप जानते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किस फील्ड में पैशनेट हैं। तो आप जिस फील्ड में पैशनेट हैं, जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरा आपको सुझाव है कि आप उसी फील्ड में कैरियर बनाएं। कभी भी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपका जो भी इंटरेस्ट है आपको उसी को कैरियर बनाएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास कई लोग ऐसे होते हैं, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कुछ मिलावट होती हो, वो सिर्फ एक जॉब करते हैं, रात को अगर जब जॉब से वापस आते हैं तो उनमें झुंझलाट रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि वो काम रियल में करना ही नहीं चाहते, वो मजबूरी में इस काम को कर रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन हो, उसमें ही आप अपना करियर बनाए। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को जाने, अपना पैशन देखें, उस फील्ड में आप आगे बढ़े। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। सेकेंड स्टेप के बारे में बात कर लेता हूँ। सेकेंड स्टेप रिलेटेड है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस से, आपकी स्किल से, आपकी एबिलिटी से। तो सेकेंड पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बच्चों, स्ट्रेंथ और वीकनेस आप सब जानते हैं। स्ट्रेंथ मतलब आपकी मजबूतियां, वीकनेस मतलब आपकी कमियां। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करें कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। आप कभी भी सिर्फ स्ट्रेंथ के बेस पर डिसीजन लाने ना वीकनेस के बेस पर डिसीजन लें। आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी वीकनेस को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो बच्चों, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर ही आप अपनी स्किल्स एबिलिटी को पहले देखें, आप क्या स्किल्स अच्छी हैं, आपकी क्या एबिलिटीज हैं, आपकी क्या योग्यताएं हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप स्टार्टिंग में जब आप बच्चे थे, 6th क्लास में थे या 7th क्लास में थे, तो आपकी एलिमेंट्री साइंस बहुत अच्छी थी। हो सकता है आपकी फिजिक्स पर पकड़ अच्छी हो, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री टॉपिक्स अच्छे नहीं थे। अब आप चूज करेंगे 10th क्लास के बाद मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मुझे पीसीएम लेना चाहिए, लेकिन पीसीएम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी तो होता है ना। अगर आपने केमिस्ट्री उसमें आपने चूज कर लिया तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसी तरह से आपने एलिमेंट्री एलजेब्रा अच्छी थी, आपकी बेसिक में बहुत अच्छी थी। अब आप सोचते हैं कि मैं पीसीएम लूँ आगे आने वाले टाइम में, तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है कि बेसिक मैथ अच्छी हो लेकिन एडवांस में अब 11th क्लास में आने वाली है वो आपकी समझ में ना आए, तो आपको फिर करियर आपको सब्जेक्ट स्विच करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत नुकसान देह हो सकता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, कैपेबिलिटी, एबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने चाहता हूँ कि अब इसके बाद देखिए, जो फर्स्ट टू स्टेप है ये बेसिक स्टेप है, थर्ड जो स्टेप रहेगा वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो थर्ड स्टेप में बता देता हूँ, आइडेंटिफाई करियर चॉइस। अब आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, उसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो किया, आपको पता लग गया कि आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी
स्किल्स क्या है, आप किसमें टैलेंटेड है, तो आपको चूज करना है कि राइट केस चूज। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने 11th क्लास में कॉमर्स ली, तो आपने कॉमर्स इसलिए ली होगी कि आपको सीए बनना है, तो आपको पहले ही पता है कि आपको सीए बनना है, इसलिए आपने कॉमर्स ली है। तो थर्ड स्टेप फर्स्ट दो स्टेप पे डिपेंड करती है। आप जैसे आपको करियर ऐसी करियर बनाना होता है जो लॉन्ग लास्टिंग करियर हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बच्चा है वो काइट बहुत अच्छी फ्लाइंग करता है, लेकिन वो काइट फ्लाइंग में अपना करियर नहीं बना सकता ना। आपको सोचिए कि कैसे कितना मतलब एक मजाक के तौर पर होगा कि वो काइट फ्लाइंग में अपना करियर बनाए, जो लॉन्ग लास्टिंग करियर नहीं हो सकता। तो आपको करियर चॉइस ऐसी होनी चाहिए जो आप लॉन्ग लास्टिंग तक आपको उसमें रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने आपको बताई बनाई है और जो आप स्टेप्स फॉलो करेंगे उसी के बेस पर आप करियर बनाएं, सबसे पहले जल्दबाजी ना करें, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। अगर आपको इन तीन स्टेप्स के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप अपने पेरेंट्स से गाइड ले सकते हैं, अपने रिलेटिव से, या फिर ऐसा कोई सीनियर जो आपसे पहले उस फील्ड में गया हो उसके, आप मेरे से गाइड ले सकते हैं। मैंने ये जो यूट्यूब है वो इसीलिए शुरू किया है कि कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, वो पता नहीं होता कि क्या क्या स्ट्रीम में करियर बना सकते हैं। तीन चीजों के बारे में बेसिकली पता होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो मैं आपको बहुत डिटेल में हर स्ट्रीम के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, आप मेरे अगली वीडियो का वेट करें, वो बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है। नमस्कार।